हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज। वेलकम अमरोहा में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसे कि आपने मेरा थंबनेल देख लिया है, 2 मिनट में खाता खोलकर और पीएफ ऑनलाइन करें, बहुत ही आसान है। और पहले कस्टमर के अकाउंट में प्रॉब्लम रहती थी कि अकाउंट नेम मिसमैच आ रहा है, या अब आपको सिर्फ अकाउंट खोलना है और पीएफ में लगा देना है बेधड़क होके, और कोई झंझट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और आप अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मेरे मिल सकें। तो चलते हैं सिस्टम की ओर, हम करते हैं पीएफ लॉगिन अपना। और पीएफ लॉगिन करने के बाद आपको केवाईसी करके दिखाते हैं। कर लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह इन्फॉर्मेशन सामने आ जाएगी, और यहाँ से आप इसे हटा सकते हैं। और उसके बाद आपको केवाईसी वाले ऑप्शन पर जाना है। केवाईसी वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपको बैंक केवाईसी पर क्लिक कर देना है। बैंक केवाईसी पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपसे डिटेल मांगने लगेगा। कुछ डिटेल यहाँ पर पहले से आ रही है, जो इनका एक बार इन्होंने केवाईसी कराने की कोशिश की थी तो वो रिजेक्ट हो गया है, और नेम मिसमैच के कारण। तो अब हम इनकी केवाईसी करते हैं, क्योंकि हमने इसमें एयरटेल पेमेंट बैंक का खाता खोला है। एयरटेल पेमेंट बैंक की यहाँ पर केवाईसी करते हैं, जो कि बहुत आसानी से कहीं पर भी खुल जाता है। तो यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर ही जो है, उनका अकाउंट नंबर रहता है, तो मोबाइल नंबर हमने एंटर कर दिया है। फिर से हम यहाँ पर जो है री एंटर करेंगे मोबाइल नंबर, और उसके बाद यहाँ पर जो आईएफएससी कोड है आप नेट से भी ले सकते हैं, और जो प्रिंटआउट कलर प्रिंटआउट मिलता है कस्टमर को, आप वहाँ से भी अकाउंट नंबर ले सकते हैं। और लेने के बाद केवाईसी अप्रूव के लिए वेरीफाइड करेंगे। तो देखिए आईएफएससी कोड और ये वेरीफाइड हो गया है, और फिर उसके बाद हम आई एग्री जो भी कंडीशन पर क्लिक करने के बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे। और क्योंकि उसके बाद आधार ओटीपी बेस ये पर हमारा ऑथेंटिकेट होता है, आधार ओटीपी के बेस, देखिए इनके पास ओटीपी चला गया है आधार वाला, और यहाँ पर ओटीपी एंटर करेंगे। ओटीपी कस्टमर के पास पहुँच चुका है, और ओटीपी कस्टमर से लेने के बाद इसे सबमिट करेंगे। और सबमिट करने के बाद आपके सामने जो केवाईसी सबमिट का ऑप्शन है, मतलब ओटीपी वेरीफाइड का ऑप्शन है, आपके सामने आ जाएगा। और क्योंकि केवाईसी अब एयरटेल पेमेंट जो पेमेंट बैंक हैं आप, उसमें भी केवाईसी अभी केवल मैंने आपको प्रोसेस करके बताया है, क्योंकि पेमेंट बैंक में किस किस से आप केवाईसी करके पेमेंट ले सकते हैं ये तो नहीं कह सकता। जो मैंने प्रैक्टिकल किया है उसी के आधार पर बता रहा हूँ। देखिए हमारी रिक्वेस्ट जो है सबमिट हो चुकी है, और वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, और अपनी इसे हम वीडियो को हमने सेव कर लिया है, और सेव करने के बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें बताएंगे कि वेरीफाइड हुआ या नहीं हुआ। अगर वेरीफाई होता है तो हम पीएफ को भी ऑनलाइन करते हैं। तो चलिए कुछ दिन का इंतजार करते हैं, और उसके बाद आपको पीएफ ऑनलाइन करके हम फिर से बताते हैं। तो हम सेकेंड वीडियो में आ चुके हैं। सेकेंड वीडियो हमने इसमें ही ऐड कर दिए ताकि ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमने देखिए इनका आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लिया है, और लॉगिन करने के बाद हम पहले इनकी केवाईसी चेक करते हैं कि केवाईसी हुआ है या नहीं हुआ है। तो पहले केवाईसी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। केवाईसी ऑप्शन पर गए। केवाईसी ऑप्शन पर जाने के बाद हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारी केवाईसी हुआ है या नहीं हुआ है। तो हुआ है तो हम केवाईसी को अप्रूव करेंगे, नहीं हुआ है तो आगे किसी अन्य बैंक का अकाउंट खोलेंगे। तो चलिए वीडियो पर बने रहिए, मैं आज थोड़ा वीडियो को आगे कर लेता हूँ, प्रोसेस में है। तो देखिए हमारे सामने पेज खुल चुका है। एयरटेल पेमेंट बैंक का आईएफएससी कोड देख सकते हैं, और सामने आप वेरीफाइड देख सकते हैं। एक्सेप्टेड इनका हो चुका है अकाउंट, और देखिए आप बड़ी ही आसानी से पेमेंट बैंक जो है हमारे पास उनमें अकाउंट खोल के आप कस्टमर की केवाईसी बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी दिक्कत नहीं रहती है। आसानी से अकाउंट पेमेंट बैंकों के खुल जाते हैं, और जिसमें आप केवाईसी करके कस्टमर की, और बहुत ही आसानी से इनकी अप्रूव हो गई है। क्योंकि मैं इसे केवाईसी को रिकॉर्ड करके मैं भूल गया था, जब कस्टमर मेरे पास आया तो उसने बताया कि भाई मैंने आपसे केवाईसी कराया था एयरटेल पेमेंट बैंक का, क्या हमारा अप्रूव हो चुका है। तो मैंने खोल के देखा तो हमारी केवाईसी अप्रूव हो चुकी है। तो केवाईसी हमारी अब अप्रूव हो चुकी है। तो अब हम पीएफ ऑनलाइन करेंगे इसी एयरटेल पेमेंट बैंक में। तो चलिए वीडियो को हम थोड़ा आगे कर लेते हैं। तो चलिए हम पीएफ ऑनलाइन के लिए क्लिक करते हैं। पीएफ ऑनलाइन पर हमने पीएफ ऑनलाइन पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद नेट स्लो तो है ही, और सर्वर भी थोड़ा स्लो रहता है। तो देखिए हमारे सामने खुल चुका है। तो जो उनका देखिए आप सामने आप देख सकते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक का आईएफएससी कोड आपको यहाँ पर दिख रहा है, आप आसानी से देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं उनका मोबाइल नंबर जो है, क्योंकि एयरटेल पेमेंट बैंक में मोबाइल नंबर ही अकाउंट नंबर होता है,
मोबाइल नंबर लिखने के बाद हम वेरीफाइड पर क्लिक करेंगे, और वेरीफाइड पर क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट पेज के लिए लेके जा रहा है, तो हम यस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देते हैं और प्रोसीड टू द क्लेम, ऑनलाइन क्लेम पर हम क्लिक करते हैं। ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक कर दिया, डिटेल हम इसमें फिल करने के बाद, हम जो भी डिटेल है हमारे इसमें फिल करने के बाद, जो पासबुक होती है ऑनलाइन प्रिंट जो निकलता है इसका पीडीएफ का, उसे हम जेपीजी में करेंगे। तो ये चीज़ भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्लेम हमने कर दिया है इनका, इनके दो आईडी यहाँ पर शो कर रहा था, मेंबर आईडी, तो हमारा 100 KB से 500 KB के बीच की पासबुक होनी चाहिए, तो पासबुक हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद देखिए पासबुक इनकी है, हाइड कर दिया इन्फॉर्मेशन, एयरटेल पेमेंट बैंक की पासबुक है, और करने के बाद हम जो है इसे सबमिट करेंगे, और फाइनल सबमिट करने के बाद देखिए हमारा पीएफ यहाँ से ऑनलाइन हो चुका है, क्योंकि ये वीडियो बार बार स्किप की गई है, तो आप देख सकते हैं पीएफ हमारा सबमिट सक्सेसफुल हो चुका है ओटीपी लेने के बाद। तो आप बड़ी आसानी से इन पेमेंट बैंकों का यूज़ करके आप केवाईसी कर सकते हैं और आप कस्टमर का पीएफ निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपका इसमें और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।